तो नमस्ते इंडिया, कैसे हो मेरे यूट्यूब के चैनल वालों। क्या हाल है, मजे आ रहे नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो हम दिला देंगे। तो गाइस वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज अपन चल रहे हैं सीफोरी मार्केट, देखते हैं वहाँ पर शॉपिंग करेंगे। गाइस यहाँ रखे हैं स्लिपर, एक बार देखते हैं ये कैसे हैं। ये और मेरे को अपने लिए पसंद तो आए नहीं, लेकिन मैंने ये बहन के लिए ले लिया। क्या आपने आँख बनवा रखी है? क्या आप रिएक्शन देखना चाहेंगे पब्लिक का? गाइस अब हम देखेंगे पब्लिक रिएक्शन। मेरी बहन ने लगाया हुआ है वेल्डिंग वाला चश्मा और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तान। दूर से ऐसे हो जाएगा। सेल लगी 100 रुपए। तो दोस्तों ऐसी कुछ थी मार्केट, ये जनकपुरी की सीफोरी मार्केट। हमने तो कर ली शॉपिंग और मैंने खाया एक रोल, अब चलते हैं। तो गाइस अपन चल पड़े घर को, लूट लेंगे बैंक। होम स्वीट होम। इतनी कुछ शॉपिंग करी हुई है तो दिखाते हैं क्या क्या लाए। तो यस गाइस, तो हम आ गए हैं घर पे। तो गए हैं काफी ज्यादा थक गए यार, काफी ज्यादा भीड़ थी यार मार्केट में। आपने देखा वीडियो में, बहुत ज्यादा मुश्किल था उसमें से निकलना। जो ऐसे लगता है ना, एक वीडियो आती है आपने देखी होगी, बहुत सारी फिशेज होती है और उसमें बीच में शार्क जा रहे। तो यस गाइज, उस शाख की तरह ही निकलना पड़ता है उस भीड़ में से, वरना जो आदमी जहां खड़ा है ना वहीं पे रह जाता है, सब आगे निकल जाते हैं। तो यस गाइस, हम आ चुके हैं मार्केट से। करनी थी तो बहुत सारी शॉपिंग, बस थोड़ी हो पाई क्योंकि ज्यादा ही भीड़ थी। और मैंने आपको बताया भी था मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे सेफली हम देखते देखते मार्केट घूम आए। तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज लाया मार्केट से। बोलते यहाँ से और भी दो तीन चीजें है। ये मेरी बहन गई थी साथ में, वो अपना एक टॉप लाई है। ये मैं अपना एक कैफ्री लाया हूँ, कैसी लग रही है। एक ये मेरी टी शर्ट लाया हूँ। वैसे यार मैं लेता नहीं हूँ मार्केट से ऐसे टी शर्ट, बट ये मेरे को अच्छी लग रही थी तो मैं ले आया। और जो मेन चीज थी ये दोनों पोस्टर्स, इट इज ऑलवेज अ गुड टाइम फॉर चाय। यस गाइस, वी आर चाय लवर एंड Life is a journey. Enjoy the ride. This is the main teach. And एक लाया हूँ मैं ये अपनी कैप यूमा 101% ओरिजिनल फेक। और लाया मैं अपना एक ये की चेन आयरन मैन वाला अपनी स्कूटी की चाबी के लिए। मैंने बताया नहीं बताया मेरी स्कूटी की चाबी में ना दो दो की चेन थे, मतलब सही मेरे लिए तो काफ़ी एक्सपेंसिव थे वो। मेरे ख्याल से 250 अराउंड का था एक, तो वो पता नहीं यार चलते चलते कैसे निकल गया। तो ये सारी चीज है। एक चीज और लाया हूं मैं, दिखाता हूं। जैसे गाइस देख सकते हैं आप, जस्ट डू इट। ऐसा मैं सोच रहा मैं चप्पल बेचने वाला हूं, वैसी पकड़ रखी है मैंने। बट यार ये इनकी क्वालिटी यार ठीक ठाक है, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ सही है यार, सॉफ्ट है, चल जाएंगे। अब आते हैं इनकी प्राइसिंग के ऊपर। ये जो अपनी कैप है ये उनने मेरे से 450 मांगे थे, बट तुम्हारे भाई ने करवा के नेगोशिएट ये हमें पड़ गई 320 की। और ये जो की चेन है इसका उनने 250 मांगा था, बट गाइस आपको पता है तुम्हारा भाई पैसे कम करवा ही लेता है। ये लाया मैं 160 का। और ये पोस्टर्स थे ये 150-150 रुपए के एक थे, अगर दो लोगे तो 250 रुपए का लगाया था उनने, बट इसमें भी उनने ज्यादा कम नहीं करा, मैंने करवा लिया। बट गाइस मैं ज्यादा नहीं करवा पाया, उनने 100 रुपए पर पीस लिया इसका प्राइस। और जो टी शर्ट थी ये सेल में थी, वैसे तो ये वो बता रहे थे कि ये 600 की है, बट उनने दे दी 350 में। और जो ये है हमारी कैफ्री, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, बेशक बाजार वाली हो लेकिन यार क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मतलब मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सी है, देख सकते हैं आप, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये उनने 600 बोली थी बट 450 की दे दी उनने। और इस टॉप को पता नहीं है मेरी बहन का।
गाइस जो अपने ये क्रॉक्स वाले स्लीपर हैं, जस्ट डू इट वाले, वो उनने बोला था 400 बट उनने 350 में दे दिया। तो गाइस यही कुछ आज तुम्हारे भाई ने शॉपिंग करी है। शॉपिंग। तो गाइस यही सारी चीज हमने आज शॉपिंग करी है। शॉपिंग करी है गाइस। मम्मी पीछे से बोल रही है, अरे यार खरीद ले, बोल ले खरीद रही। खरीदारी। मेरी इंग्लिश हिंदी दोनों टाइट है। तो लंबी सांस लेते हैं, आप सही से बोलेंगे। गाइस ये देख लो, सब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो थोड़ी बहुत मस्ती तो चलती है यार, थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है यार। मैं बोलता रहता हूँ, क्या पता तुम्हें पसंद ना आए मेरी वीडियो। बट यार तुम्हारा भाई फुल मेहनत बिठा रखी है, तर करेंगे, गोभी खोद देंगे, नहीं अफसर बना देंगे। तुम्हारा भाई का नया डायलॉग, अफसर बना देंगे बिना डिग्री के। तो गाइस वैसे और मार्केट में एक दो और गया हूँ, एक संडे मार्केट लगती है, एक दो और वेडनेसडे मार्केट होती है, बट जो ये वाली मार्केट है ये हमारी लगती है जनकपुरी C4E में। तो गाइस ये मेरे घर के काफी पास भी है, तो मेरे को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। तो घर में 3-4 दिन से मेरे चोट लगी हुई थी, तो मैं बोर हो रहा था, तो मैंने उठाया मौके का फायदा। तो हम चले गए मार्केट। तो गाइस आपको कैसी लगी मार्केट और मेरी वीडियो? तो हमने देखा आज काफी सारी वहां पर शॉप्स थी, जैसे कि उनका यार सेल करने का तरीका इतना फाड़ होता है ना उनका, छोटू के लिए, मोटू के लिए, सोनू के लिए, मोनू के लिए। आ जाओ गाइस, था माल मिलेगा तो आ जा, सब छोड़ छाड़ के आ जा। यार बड़े मस्त मस्त होते हैं उनके, होते हैं तरीके बुलाने के। एक कौन सा था यार, यासन यारा, ताजा 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 मॉल से भी ताजा, आजा आजा आजा। और भी काफी सारे, हजार का सौ में सेल। बोलता तू कहां से आ रहा यार, कहां जा रहा। तो गाइस मैं तो रिकमेंड करूंगा आप इस मार्केट को विजिट कर सकते हैं अगर आप आसपास रहते हैं जनकपुरी के, तो यार काफी अच्छी मार्केट है और प्राइस भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, वर्थ था जो भी चीजें थी। और मतलब एक ही जगह पे मतलब इजीली आप हर एक चीज वैरायटीज देख सकते हैं, और एक प्रोडक्ट में भी मैनी वैरायटीज कलर्स वगैरह मतलब बहुत बढ़िया था। और क्वालिटी भी ऐसी नहीं होती, एक यहाँ पे संडे बाजार भी लगता है तो वहां पर क्या होता है क्वालिटी थोड़ी चीप होती है, तो वहां पर इसलिए इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं जितना भी प्रोडक्ट्स लाया हूँ उनकी सही से अच्छे से क्वालिटी चेक करके लाया हूँ, और फिर भी अगर क्वालिटी मेरे को अच्छी नहीं लगी या फिर कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो बहुत ज्यादा अच्छे थे भैया। मतलब एक बार मैं पहले उनके पास जा रखा हूँ एक दो शॉपों पे, तो उनने पहले भी चेंज कर दिया था, अगर जैसे साइज वगैरह में दिक्कत होती है, कलर में दिक्कत होती है, साइज में दिक्कत होती है, कुछ भी दिक्कत होती है तो वो हमारे चेंज कर देते हैं। तो उस हिसाब से भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस आप देख सकते हैं अपनी चाबी कैसी लग रही है कीचेन लगने के बाद, यार ये काफी अच्छा लग रहा था कीचेन, और इसकी जो मेन फीचर है ना वो इसका ये है। यार ये काफी ज्यादा मस्त लग रहा है स्पिन वाला, याद है एक फिजिट स्पिनर होता था ऐसे कुछ। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, आधे टाइम तो मैं इससे ऐसे ही खेलता रहूंगा। बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है इसकी, तो मेन चीज ये है ना मेटल का है ये, और इसमें देखो एक ये एक्स्ट्रा था ये मैंने निकाल दिया, एक मेरी ये चाबी है इसमें एक्स्ट्रा। बेशक यार अच्छी लगे ना लगे लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ये आयरन मैन वाला। गाइस एक मस्त चीज दिखाता हूँ आपको, आपको थोड़ा लगेगा तुम्हारा भाई यार कैसा सा है, लेकिन यार तुम्हारा भाई यार जुगाड़ू, फुल जुगाड़ू, पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा नहीं देखा, मैं दिखाता हूँ फटाफट। देखो तो गाइस
कैप्टन अमेरिका वाला, आयरन मैन वाला, मार्वल्स वाला, तुम्हारे भाई ने इस पे लगा दिया। कैसे लग रहा है फ्रिज पे, कमेंट करके बताना। तो गाइज वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज 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 कमेंट करके बता देना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।